पंचकुला सेक्टर 17 में आज गौरी शंकर मंदिर के कॉन्फ्रेंस हॉल में जनरल सिक्योरिटी आरपी गोयल एंड एसपी गोयल सनातन धर्म गौरी शंकर मंदिर के प्रेसिडेंट ने प्रेस को संबोधित किया, जो राजस्थान में ब्राह्मण के साथ हादसा हुआ और यूपी में हाथरस के मामले में सरकार को जिम्मेवार ठहराया। अगर सरकार ने लॉक इन ऑर्डर को ठीक से लागू करती तो सब कुछ ठीक हो सकता था, पर सरकार इसमें नाकाम रही। राजस्थान में जो ब्राह्मण जी के हत्यारे सरेआम घूम रहे हैं, अगर सरकार चाहे तो इनको अंदर डाल सकती थी। मीडिया में भी कुछ ऐसे इंसान हैं जिनके हाथ कहीं ना कहीं से बंधे होते हैं। आने वाले टाइम में सरकार को कुछ कानून कायदों की तरफ देखना पड़ेगा। छोटी छोटी बच्चियों के साथ घिनौनी हरकतें करते हैं, इनको कम से कम 30 दिन की सज़ा सुनानी चाहिए। आने वाले टाइम में श्री श्री 108 गुरु अशोक जी ने कहा कि मैं किसी सरकार के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, हम तो संतों और बच्चों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, आज मैंने उस मुद्दे पर कॉन्फ्रेंस करी है। जैसे पाकिस्तानी टेररिस्ट करसाब के ऊपर सरकार ने इतना खर्च किया, जिस हिसाब से उसने क्राइम किया था उस हिसाब से उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी। कुलदीप सैनी की चंडीगढ़ से रिपोर्ट। और संत का हृदय पीड़ित है, भारतवर्ष में किसी कोने में कोई संत ब्राह्मण जहां भी कोई बैठा है, कोई भी संवेदनशील हिंदू है, हिंदू जब मैं कहती हूं तो उसका अभिप्राय जिसका हिंदुस्तान में जन्म हुआ, कोई संवेदनशील भारत का नागरिक जो है वो इस समय पर ये कह नहीं सकता है कि भाई उनकी कोई संभाल करी जाए। अब उन बेटियों का गुजारा कैसे होगा? केवल गुजारे की बात नहीं है, उनका एक ही सक्षम पुरुष जो घर का है वो चला गया, और पुरुष का घर में होना क्या मायने रखता है, अपने अपने घर में झांक करके देख रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। बूढ़ी माँ के साथ वो बेटियां बैठी रह गई, घर में एक मानसिक विकृत लड़का, और वो दबक कर अभी भी घूम घूम करके वो गुंडे बदमाश जो भी वो लड़के हैं वो अभी भी उनको चेतावनियां वार्निंग दे रहे हैं, उन्हें धमकियां दे रहे हैं। महिला पुलिस को कहा गया रात भर रुकने के लिए, तो वो थोड़ी देर बाद निकल गई, चली गई वहां से। क्यों? क्योंकि सरकार की कोई ज्यादा उसके प्रति है ही नहीं, जब संवेदनशील था वो पुलिस वाली लड़कियां रात भर वहां मिली ही नहीं है, दौड़ गई वहां से। अब इस रात भर में महिलाओं के साथ अगर कोई और दुर्घटना घट जाती तो कौन जिम्मेदार होता? संवेदनशीलता और लोकतंत्र में संवेदनशीलता का होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, लेकिन समान भाव से होना चाहिए। हम इस प्रकार से वर्गीकरण करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो जो घटनाएं साधु संतों के विरोध में हो रही है, साधु संतों के साथ अन्याय जिस प्रकार के हो रहे हैं, वहां वहां की सरकारें उत्तरदायी हैं उस कार्य के लिए। अगर हम पनिश नहीं कर पा रहे हैं, या तो ये हो कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपने एक्शन ले लिया तुरंत, इतना दबाव बनाना चाहिए आप मीडिया वालों को मिलकर के, हिंदू समाज को मिलकर के, कि सरकार के उसको मजबूरन जो है वहां पर जाकर के न्याय करना पड़े, ये हमारा धर्म बनता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विषय को संपूर्ण करती हूँ, और फिर आगे जैसे भी हो।